गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई अभी अपने गली की स्थिति दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को इंट्रो। तो भाई यहाँ पर मेरी गली देख लीजिए, पूरी पानी से भरी हुई है और इसीलिए बाइक का यूज़ नहीं करते हुए मैं कार से आया हूँ। तो भाई ये अपनी गली कह सकते हैं, गली में कैसा क्या है तो अभी पहले हम आगे फोकस कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। देख रहे हो भाई, चट दा मुकाबला 10 मिनट तू है चट दा मुकाबला। तो भाई यहाँ पर इतनी ज़्यादा भैया क्या ही बताएं, बारिश हो रही है तो इसीलिए भाई मैं आज कार निकाल लाया हूँ। बाकी बहुत दिनों से चलाई नहीं थी क्योंकि मन नहीं था, क्या ही रोज़ रोज़ चलाएं कार। तो बाकी भाई काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि एक वो आ गई थी कि मेरा फ़ोन भाई क्या बताएं, बारिश में निकले थे तो फ़ोन में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से मेरा पूरा फ़ोन रीसेट हो चुका है। जितनी भी फ़ोटोज़ और व्लॉग बनाए थे, मतलब मैंने व्लॉग पूरा बना दिया था चुका था पूरा, और वही थोड़ा बहुत बचा था तो उसी में क्या हुआ, फ़ोन रीसेट करना पड़ गया था। कुछ दिक्कत आ गई थी जो मेरे दोस्त हैं वो समझ सकते हैं कि क्यों क्या दिक्कत आ गई थी, तो वो अभय के व्लॉग में जाके देख लेना कि क्या दिक्कत आ गई थी। तो इस वजह से पूरा फ़ोन रीसेट हो चुका है, तो जितने भी व्लॉग मैंने बनाए थे और जितनी सारी क्लिपें मेरी पुरानी हैं वो सारी हट गई हैं। और एक और बात, अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल नहीं खुल रहा है, पता नहीं उसमें भी कुछ इशू आ गया है, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ आदित्य के घर, तो उसने बोला भाई आ जाओ मैं सही कर देता हूँ, तो वहीं जा रहा हूँ। तो देखते हैं चल के, काश भाई खुल जाए वरना फिर मेरा यूट्यूब चैनल भी चला जाएगा। चला क्या, खुलेगा नहीं, बस दिक्कतें क्या बताएं यार भाई, दिक्कत आती है तो हर जगह से आती है, यही बताना चाहता हूं। और बाकी अभी अपने हरदोई में स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बारिश ही हो रही, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही बट ये है कीचड़ कीचड़ काफ़ी ज़्यादा है, गली तो बिल्कुल सारी ख़राब हो चुकी हैं। तो अभी चलते हैं और गाना वाना सुनते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो अभी रील वील एक दो शूट कर, इसमें कार और भैया मतलब कार में ही सही रहता है, बाकी बाइक से चलाना काफी ज्यादा बेकार है क्योंकि स्लिप हो सकती है बाइक है। तो अभी पास यहीं पे लखनऊ चुंगी के पास पहुंच चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा स्लो हम चलाते हुए ले जा रहे हैं। और ये भाई अपना राम जानकी मंदिर जहाँ पर हम लोग आए हैं, तो भाई यहाँ पर अपने हाथ जोड़ लेते हैं बाहर से, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है अपना राम जानकी मंदिर। तो बस अभी हम लोग बस 2 ही मिनट में पहुँचने वाले हैं। तो भाई मेरी ऑक्स केबल ख़राब हो गई, इस वजह से कोई गाने नहीं बज पा रहे हैं, बाकी क्या ही कर सकते हैं, तो बस देखते हैं। यहाँ पर आदित्य के घर पे पहुँच चुके हैं, तो वही वेट कर रहे हैं, कहाँ है बंदा, मतलब पहले ही फ़ोन कर दो कि भाई मैं आ चुका हूँ, फिर भी भैया बंदा लेट ही है। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगाएगा, तो आप लोगों को दिखाते हैं उसकी गली। एक बार देखी होगी मगर फिर से देख लीजिए, ये रही भैया आदित्य का घर, जिसको आना हो तो भाई आके मिल ले, ये रहा वाइट वाला। यहाँ पर आदित्य भाई आ चुके हैं अपने छोटे छोटे पैरों से। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, बारिश हो रही क्या? नहीं है? वो बंद कर लो सही से। गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर, विधायक जी हैं सबसे बड़ा। चल दे असीं बैठे आ बठाया बंदे उठणे नहीं दिंदे, लैंदे मिंटो मिंट पट ना तू हस बल्ली, कीड़ा करदा है तंग मैनू दस बल्ली, तोडे मैट्रिक च आउंदी ना प्लस बल्ली, करदा है थे पर आ चुके थे क्या खाने के लिए, छोड़ ले भटूरे है तो बाकी पैक करवा लिया। तो भाई एक नंबर है, काफी दिनों बाद आज चीट डे मना रहे हैं ना भाई, भाई एक हफ्ते में एक डे होना चाहिए चीट डे। वैसे तो आप लोग नॉर्मल व्लॉग में देखते नहीं होंगे कि हम लोग ये सब खाते हैं, मगर आज खा रहे हैं क्योंकि आज है चीट डे अपना, तो खा लेते हैं वरना मेरे ठंडे हो जाएंगे, और ये ठंडे हो जाते हैं तो पता ही है कैसा क्या हो जाता है, तो जल्दी से खा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। से हम लोगों ने खा लिए थे छोले भटूरे, तो भाई छोले भटूरे के बाद अपनी हेल्दी वाली चीज, क्योंकि इसके बाद जिम भी आना है, इसीलिए हम लोग आ चुके हैं अपनी जूस रूम को, बैक कैमरा करके दिखा देते हैं। आ गया है लोकेशन पे जहाँ डेली जूस पीते हैं, तो यहाँ पर भाई स्ट्रॉबेरी वाला जूस, और ये रहा भैया लोगों के लिए पैक करवा लिए छोले भटूरे। तो भाई अभी बस पी के यहाँ से निकल जाएंगे, फिर जिम भी आना है इसलिए, तो जल्दी से एसी ऑन कर लेते हैं। तो आदित्य भाई आज कैसा लगा कि सुबह ही सुबह इतनी बारिश में, वरना तो भीग जाते थे बाइक में। तो भाई हम तो सोच रहे एक कार ले लेते हैं, अपना तेल डलवाते हैं और घूमा करेंगे, और जाना ही कहाँ रही था, जिम और कोचिंग और उसके बाद अपना खाने पीने के। अच्छा हम लोगों को देखा होगा आप लोगों ने कि हम लोग कोई नई चीज नहीं,
हम लोग घर से एम लेके निकलते कि आज क्या खाना, हाँ, आज बेस्ट क्या खाना, हम लोग खाने का सोच के हम लोगों ने गलत चैनल बना दिया, अपने को फूड चैनल फूड ब्लॉगिंग बनानी चाहिए थी, क्योंकि इतना भाई भर भर के खाते हैं आप लोगों स्नैप, अगर जिन लोगों ने स्नैप पे नहीं हम लोगों को क्या कहते हैं रिक्वेस्ट नहीं फॉलो नहीं कर रखा वो लोग कर ले डेली आप लोगों को स्नैप खाने के ही आएंगे, और जो लोग ऐड है उनको पता होगा खाना जिम खाना जितना खाते उतना पचा लेते हैं तभी तो ग्रोथ नहीं हो रही, तभी देखना ना देख रहे हो बंदे ये देखो, वरना आज ये लोग वरना आज ये वो कंपटीशन नहीं लड़ रहे, बाकी ये रहा अपना सिनेमा छोड़ा, बाकी आज से मौसम देखिए कितना, अब भाई आज जब कार लेके आ रहे हैं तब बारिश नहीं हो रही, कल हम कल पूरे दिन बारिश हो रही, कल यहीं पे हम लोग जूस पीने आ रहे थे, कल हमारा फोन भाई बता रहे रीसेट हो गया था, इस वजह से सारी क्लिपें डिलीट हो गए, वहां पर यहां पर बाइक से हम लोग भीगते हुए जिम गए थे, इतनी तेज बारिश हो रही थी, और आज देख लो काले बादल है, मतलब बारिश नहीं हो रही सिनेमा चौराहे के पास, तो यहां पर जल्दी से जूस ही पी लेते हैं उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, और भैया अपने गोकू भैया आ गए, पहले मैंने सोचा ब्लॉग खोल ले फिर तुमको हम दिखाते हैं, तो भाई यहां पर आ गया अपना जूसी जो कि काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है, वैसे डेली पीते हैं टेस्ट तो पता ही है, बाकी जल्दी जल्दी से फिनिश करते हैं और एक दो स्नैप बना के डाल देते हैं जिसमें स्नैप वालों की भी जल जाए, वाह। यहाँ पर आदित्य को छोड़ दिया था घर पे, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, तो अभी बस हम अपनी साइड पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर भाई अपनी कार पार्क कर देंगे और फिर वही जिम के टाइम व्लॉग को फिर से कंटिन्यू कर देंगे, तो भाई हमारी वो आगे आ चुकी है गली, तो जल्दी से भैया मोड़ लेते हैं उसके बाद, बाकी आप मेरी गली में देखिए कि मेरे सब बस्ती बहुत ले काली कार बैठे कार विच मेरे चुन में जे यार ये फट खान पिंदे पंगे जान जा लेंदे असि बैठे आ बठाया बंदे उठने नहीं दंदे लेंदे मिंटो मिंट पट ना तू हंस बल्ली ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪਲੱਸ ਬੱਲੀਏ ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਬੱਲੀ भाई पूरी गली में इतना ज्यादा पानी भरा हुआ क्या ही बताएं, तो भाई यहीं से बस निकाल लिए, अब जल्दी से घर पे पार्क कर देते हैं, उसके आने के बाद भाई बाइक में ले ली क्योंकि कुछ काम आ गया, तो भाई यहाँ से बादल और घर देखिए कितना प्यारा लग रहा, तो यहाँ से चलते अपना मार्केट थोड़ा सामान लाना वो ले आए चल के फिर देखते हैं, मार्केट से आने के बाद मैंने व्लॉग को वापस से कंटिन्यू कर दिया, तो यहाँ पर भाई हम बिल्कुल रेडी होके खड़े हैं, बिल्कुल अपनी पुरानी जो टी शर्ट है वो निकाल ली क्योंकि जो धुली है वो अभी तक सूखी नहीं है, पता नहीं क्यों बारिश के मौसम की वजह से, और बाकी मेरी बाइक देख रहे हो अभी मैं आया था बारिश हो रही थी, पूरी बाइक हमारी देख रहे हो कितनी ज़्यादा गंदी हो गई, जैसे बारिश कम हल्का बहुत बारिश धूप निकलेगी उस दिन वॉश करवा लेंगे, क्योंकि अभी वॉश करवाए कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी चलिए अब जिम के लिए निकलते हैं और आप लोगों को वहाँ पर बहुत कुछ आज दिखाना है, बहुत ही ज़्यादा लंबा व्लॉग बनाएंगे क्योंकि काफ़ी दिनों बाद बनाया जबकि आप लोगों को बताया था रीसेट हो गया है फ़ोन इस वजह से, तो मार्केट से आने के बाद मैंने व्लॉग को वापस से कंटिन्यू कर दिया, तो यहाँ पर भाई हम बिल्कुल रेडी होके खड़े हैं, बिल्कुल अपनी पुरानी जो टी शर्ट है वो निकाल ली क्योंकि जो धुली है वो अभी तक सूखी नहीं है, पता नहीं क्यों बारिश के मौसम की वजह से, और बाकी मेरी बाइक देख रहे हो अभी मैं आया था बारिश हो रही थी, पूरी बाइक हमारी देख रहे हो कितनी ज़्यादा गंदी हो गई, जैसे बारिश कम हल्का बहुत बारिश धूप निकलेगी उस दिन वॉश करवा लेंगे, क्योंकि अभी वॉश करवाए कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी चलिए अब जिम के लिए निकलते हैं और आप लोगों को वहाँ पर बहुत कुछ आज दिखाना है, बहुत ही ज़्यादा लंबा व्लॉग बनाएंगे क्योंकि काफ़ी दिनों बाद बनाया जबकि आप लोगों को बताया था रीसेट हो गया है फ़ोन इस वजह से, तो हम बाहर निकल चुके हैं और आप लोगों ने देखा ही लिया होगा हमने कुछ क्लिपें डाल दी थी, बाकी यहाँ से मौसम देखिए कितना एवन है और हमारी बाइक खड़ी है, निकल चुके हैं तो हमारी बाइक देख रहे हो कितनी ज्यादा गंदी, तो आदित्य भाई कुछ बोलना चाहोगे? साफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा गाइस, तो यहाँ से निकालते हैं और घर भैया डायरेक्ट चलेंगे क्योंकि आज है घर में जरूरी काम इस वजह से, यहाँ पर हम
हम घर आ चुके थे तो जरूरी काम था तो इसके लिए हम जल्दी आज घर पे आ गए। तो हम सोच रहे हैं यहीं पे काफी ज्यादा लंबा व्लॉग हो गया 10 मिनट का, तो इससे और लंबे व्लॉग आएंगे और कल आप लोगों को बहुत ही ज्यादा कुछ ट्विस्ट मिलने वाला है, तो वो आप लोग कल के व्लॉग में मिल जाएगा। तो भाई यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं, अपना जरूरी काम कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक की।